वास्तु शास्त्र के अनुसार लिविंग रूम यानी बैठक घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लिविंग रूम देखकर लोग आपके वैभव, संपन्नता और मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। आमतौर पर लोग अपने लिविंग रूम की साज सजावट का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। लिविंग रूम में वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि मकान पूर्व या फिर उत्तरमुखी है तो बैठक यानी लिविंग रूम को पूर्वोत्तर दिशा अर्थात ईशान कोण में होना चाहिए। यदि मकान पश्चिम मुखी है तो लिविंग रूम को उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात वायव्य कोण में होना चाहिए। इसके अलावा यदि मकान दक्षिण मुखी है तो बैठक को दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। लिविंग रूम के पूर्व या उत्तर दिशा में खिड़कियाँ होना बहुत लाभकारी माना जाता है। रूम की दीवारों का रंग हल्का पीला, आसमानी या हल्का हरा होना चाहिए। लाल, गहरे नीले या तेज रंगों की दीवारें नहीं होनी चाहिए। साथ ही रूम में खिड़की और दरवाजे के पर्दे मिलते जुलते रंगों में ही प्रयोग करें। लिविंग रूम में हंस की तस्वीर लगाना सुख समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। वही वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार के फोटो लगाना लाभकारी है। चलिए बताते हैं कि लिविंग रूम में वास्तु की किन छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लिविंग रूम उत्तर पूर्व पश्चिम या उत्तर पश्चिम में बनाना चाहिए। इससे उस जगह बैठने वालों को हमेशा तनाव रहता है। इस रूम में पूर्व में खिड़की होने से पूरे घर में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी बनी रहती है। टीवी, म्यूजिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दक्षिण दिशा में रखने चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम भाग कुछ ऊंचा हो तो अच्छा रहता है। सीलिंग के बीच में एक झूमर ना होकर दो झूमर इस तरह से लगाना चाहिए कि बीच की जगह खाली हो। लिविंग रूम में ताजे फूल जरूर रखें, इससे घर में आने वाले लोगों से रिश्ता अच्छा बना रहता है। मेन एंट्रेंस पर मांगलिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक ओम जरूर लगाना चाहिए। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट रन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।